सर ये भी कहा जा रहा था कि पैसा देकर भीड़ को जुटाया गया है। भीड़ इसीलिए ना जुटी भाई कि सरकार ने कहा कि जो लोग गरीब हैं उनको रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, तो ये कोई गुपचुप थोड़े तरीका से था। उस पर जो है भाजपा वाले भी बेंच पीट रहे थे, ताली पीट रहे थे, हमारा भी समर्थन। तो सरकार जब पैसा देने की घोषणा की उसके बाद भीम संसद हुआ तो वो आए लोग, तो अब कहेगा पैसा दे के बुलाया गया है। उनको जो है सपना में भी पैसा पैसा पैसा, तो बहुत ज़्यादा पैसा था तो बिहार में सरकार बचा कहे नहीं। देखा कि नित्यानंद राय को कहा गया कि जादवों को भाजपा में ले आओ, नहीं तो जाओ पार्टी से बाहर। तो अभी उन्होंने बेचारा प्रयास किया और कोई जादव आया भी नहीं, और जो लोग आया भी वो भी बाहर कह रहे कि खाए पिए ला गए थे, वोट तो हम लोग को महागठबंधन को ही देना है। माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, भीम संसद का कल आयोजन किया गया था जदयू की तरफ से, ऐसे में लाखों लाख की भीड़ जुटी थी पटना के भिडनरी ग्राउंड में। देखा जाए तो लगातार बीजेपी के लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि ये जो भीम संसद बुलाया गया था पैसा देकर बुलाया गया था लोगों को, ऐसे में लोग जो आए थे पैसा लेकर आए थे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले तो विधानसभा में थे और बिहार विधानसभा में जो जातीय गणना की रिपोर्ट, आर्थिक गणना की रिपोर्ट, आरक्षण जिस पर बात हुई, जिस पर फैसला हुआ, उसमें भाजपा वाले भी शरीक हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा हुआ कि जिनको आवास के लिए पैसा निर्धारित था वो उसको दोगुना से ज़्यादा कर दिया गया है, रोजगार के लिए प्रत्येक गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा, तो पैसा तो मिलने की बात कहाँ ही गया था। और ये सुन करके इस खुशी में लोग आए हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सारे लोग जानता है, पूरे बिहार जानता है। लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पैसा देकर भीड़ को जुटाया गया है, तो भीड़ इसीलिए ना जुटी भाई कि सरकार ने कहा कि जो लोग गरीब हैं उनको रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, तो ये कोई गुपचुप थोड़े तरीका से था। उस पर जो है भाजपा वाले भी बेंच पीट रहे थे, ताली पीट रहे थे, हमारा भी समर्थन। तो सरकार जब पैसा देने की घोषणा की उसके बाद भीम संसद हुआ तो वो आए लोग, तो अब कहेगा पैसा दे के बुलाया गया है। तो उनके अंदर जो बेहतरी जीवन बेहतर करने के लिए जो उनको पैसा देने की घोषणा की गई तो उससे उत्साह तो बढ़ाए और लोग आए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी वाले अब किस नियत से, किस एंगल से पैसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो पैसा के ही बात करते हैं, सरकार भी पैसा से ही बनाते हैं। विधायक किसी दल का जीते, उनके पास पैसा है, खरीद करके अपनी सरकार बना लेते हैं। तो उनको जो है सपना में भी पैसा पैसा पैसा, तो बहुत ज़्यादा पैसा था तो बिहार में सरकार बचा कहे नहीं लिए। अच्छा, ये लाखों लाख भीड़ देख के बौखला गए हैं क्या बीजेपी वाले? नहीं नहीं, बेचारा बौखला नहीं गया है, अब वो निराश हो गया है, उनको लग रहा है कि अब बिहार से तो हम सरकार से बाहर हुए ही, अब देश में जो सरकार बची है बीजेपी की वो भी जाने वाली है, इसलिए निराशा है, हताशा है, बौखलाहट इसको नहीं कह सकते हम लोग, निराशा है, हताशा है। और उनके एक एक नेताओं पर अब भाजपा वाले लोग, उनके बड़े नेता कड़ाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि नित्यानंद राय को कहा गया कि जादवों को भाजपा में ले आओ, नहीं तो जाओ पार्टी से बाहर। तो अभी उन्होंने बेचारा प्रयास किया और कोई जादव आया भी नहीं, और जो लोग आया भी वो भी बाहर कह रहे कि हम खाए पिए ला गए थे, वोट तो हम लोग को महागठबंधन को ही देना है। तो इस तरह से भाजपा के एक एक नेताओं की परीक्षा चल रही है। अब उसमें जो भूमिहार जाति के हैं उनको कहा जा रहा है भूमिहारों को ले आओ, नहीं तो भागो बाहर। उसमें जो अति पिछड़ी के हैं उनको कहा जा रहा है अति पिछड़ी लोगों को ले आओ, नहीं तो जाओ बाहर। तो ये इसके चलते भाजपा के जो नेता हैं बिहार के वो बेचारे हताशा में हैं, निराशा में हैं। अब बिहार में जो है जातीय गणना और आरक्षण का समर्थन तो इन लोगों ने कर दिया और बिहार में अब भारी गरीबी है, भारी बदहाली है, तो गरीबी दूर करने के लिए विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता है। तो जब आप जातीय गणना में, आरक्षण में आपने समर्थन दिया है तो उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग उठ रही है उसमें जो आंदोलन हो रहा है तो आपको तो साथ देना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा छोड़ना पड़ेगा। तो इसी चलते बेचारे लोग हताशा में हैं, निराशा में हैं, और कोई बात नहीं है। बौखलाहट क्यों होगा? बौखलाहट तो कोई ऊर्जा रहेगा उनके अंदर तब ना, ऊर्जा तो है नहीं, उनका एक एक पुर्जा ढीला हो गया बिहार में, तो इसलिए उनके अंदर हताशा है, बौखलाहट नहीं है।
देखिए हताशा और निराशा है बीजेपी वाले लोगों में, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ऐसे में लाखों लाख भीड़ जुटी थी और किसानों के हित में, बिहार के लोगों के हित में, अनेक लोगों के हित में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, इसलिए लोग जो है नीतीश कुमार के समर्थन में कल पटना के देखा जाए तो वेटनरी ग्राउंड में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे थे। तो वहीं हताशा में और निराशा में भाजपा वाले लोग, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो वहीं यादवों को जुटाने की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो वहीं नित्यानंद राय को कहा जा रहा है अगर यादव को आप नहीं जुटा सकते हैं तो बीजेपी छोड़ दे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे रामबली सिंह यादव, माले विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।